आज राजस्थान में जो हालात है सरकार के, उस पर सर आपको क्या कहना है? देखिए, ये तो अचंभे की बात है कि जिस जनता ने आपको सरकार में बैठने का अधिकार दिया, सत्ता में बैठने का अधिकार दिया, उस जनता को भूलकर आप पिछले 1.5 साल में अंदरूनी लड़ाई ही लड़ रहे हैं। जब भी खबरों में आते हैं, टीवी पर आते हैं, तो जनता के सेवा के कार्यक्रम के लिए नहीं आते, सरकार बचाओ कार्यक्रम में आते हैं। अब अपने घर की लड़ाई आप देश के सामने क्यों लड़ना चाहते हैं? अपनी अंदरूनी लड़ाई अंदर लड़िए। कांग्रेस ने राजस्थान के स्वाभिमान को इतना संकरा बना दिया, कांग्रेस पूरे के पूरे स्वाभिमान को इतना संकरा बना दिया, राजस्थान की राजनीति को कचरा बना दिया। जनता ने जनप्रतिनिधियों को घोड़ा बना के भेजा कि तेज तेज काम करो, और आपने उनको बकरा बना दिया। ये है हालत। क्या हुआ? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, जो लक्ष्य होना चाहिए था कि राजस्थान की सरकार का, जनता की सेवा का। मुझे बताइए, जनता की सेवा शब्द आपने कहीं सुना? ये सरकार बचाओ, अपनी अंदरूनी लड़ाई अंदर लड़िए ना। अब जनता को क्यों कष्ट दे रहे? आज पानी आना चाहिए था राजस्थान के अंदर, उस पर काम नहीं हो रहा। पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ती जा रही है, आपके पास साधन नहीं है, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, यहाँ पर पुलिस कर्मी आत्महत्या कर रहे हैं। आज बड़े बड़े पैकेज मिले हैं भारत सरकार से, उस पैकेज को जनता तक पहुँचाने का काम करना, ये सब काम तो भूल गए।